जब से कतर में कहा गया है कि 8 भारतीयों को फांसी दिया जाएगा, तब से पूरे भारत देश हैरान है। आखिर क्या बात है जो कतर में 8 भारतीय लोगों को फांसी दिया जाएगा? आखिर उसका गलती क्या है? ये बात केवल आप नहीं और मैं नहीं, ये पूरे भारत देश जानना चाहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये भारतीय नागरिक 2022 से ही जेल में बंद है और अब इन लोगों को फांसी दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कतर ने तो सजा सुना दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर आरोपी का आरोप क्या है, उसका क्या गलती है, उसे किस चीज के लिए सजा दिया जा रहा है। कतर ने इस बात को अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। इससे आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है कि कतर का यह फैसला सिर्फ साजिश हो सकता है। तो आप भी कहोगे कि दुश्मनी इजराइल से लेकिन बदला भारत से। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बोला था कि भारत को इजराइल का समर्थन करना बहुत भारी पड़ा। इजराइल का दुश्मनी का बदला अब भारत से निकाल रहा है, जबकि भारत ने बस इतना ही कहा था कि हमास का ये हमला आतंकवादी हमला है। दोस्तों, इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय नागरिकों के मौत की इस फैसले से हम बहुत ही दुखी है और फैसले के विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम परिवार के सदस्य और कानूनी दलों के संपर्क में है और हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सजा का ऐलान तो कर दिया, पर आरोपों का सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मामला वहां तक पहुंच गया कि जिससे मौत का सजा सुनाना पड़ा। तो इस मामले को लेकर कतर के सरकार और कोर्ट खुल के क्यों नहीं बताते हैं? ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीयों के ऊपर चापलूसी का आरोप है। ऐसे कतर के सरकार भारतीयों पे लगाए गए आरोप को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दिया है अभी तक। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि जिन भारतीयों का मौत का सजा सुनाई गई उसका नाम जान लीजिए। उसका नाम, पहला का नाम है आपको कैप्टन नवतेज सिंह गिल, दूसरा का नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और तीसरा का नाम है कमांडर पूर्णेदु तिवारी और चौथा का नाम है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा और पांचवा का नाम है कमांडर सुगुन कर पाकला और छठा का नाम है कमांडर संजीव गुप्ता और सातवां कमांडर अमित नागपाल और आठवां सेलर रागेश। ये सभी भारतीय कतर के अल दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब से इन सभी भारतीयों को जो है सो पुलिस वाले ने पकड़ा है, तब से इसे एक बार भी जो है सो बेल प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी को उसके परिवार से मिलने दिया गया है। दोस्तों, इस बात को लेकर पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा ने कहा, इनको फांसी देने से कतर अपने गले में खुद जो है सो फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इजराइल का ये दुश्मनी अब केवल भारत से निकाला जा रहा है। आप सोच सकते हो कि भारत के साथ इसका इतना अच्छा संबंध होते हुए भी सडनली जो है सो कुछ नहीं बताना और डायरेक्ट 8 भारतीयों को फांसी का सजा सुना देना, ये कहां तक सही है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये 8 भारतीय नागरिकों को अगर भारत सरकार नहीं बचा पाता है तो पूरे भारत देश में जो है सो बवाल मच जाएगा। इसीलिए ये 8 भारतीयों को बचाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि कतर का प्लान हो सकता है? आप नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। जय हिंद।